सवाल कश्मीर से सोहेल साहब का है। ये पूछते हैं, अगर किसी शख्स को कजा नमाजों का शुमार मालूम ना हो कि कितने सालों की कजा है, तो उस सूरत में क्या करे, और क्या कजा नमाज खाली अपने ही वक्त पर अदा कर सकते हैं या किसी भी वक्त? बस इस दूसरे शेख का जवाब तो आ चुका है कि कजा नमाज अपने वक्त में अदा करना लाजिम नहीं है। जोहर की नमाज अगर कजा है तो असर के बाद भी अदा की जा सकती है, ये किसी और वक्त भी अदा हो सकती है, तो ये कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनको अगर याद नहीं है कि कितनी नमाजें कजा हुई हैं, तो उसमें उसूल जो हर जगह चलता है वो ये है कि अपने गालिब गुमान पर ही मामला रखा जाएगा। यानी ये शख्स सोचे बहुत एहतियात के साथ और एक मुहतात अंदाज़ा लगाए और इसके तहत जो जितनी भी नमाजें इसके जहन के मुताबिक बनती है कि इसके ज़िम्मे बाकी है जिसका कजा किया जाना ज़रूरी है, तो उतनी नमाजें वो कजा कर लें। तो अगर हकीकत में फिर इसने जो गालिब गुमान कायम किया था हकीकत में नमाजें उससे ज़्यादा भी हुई, तो इंशाअल्लाह इंदल्लाह ये माखूज नहीं होगा, क्योंकि यह भी वही उसूल है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो इस शख्स की ताकत और बस में इतनी ही बात है कि वो एक मुहतात अंदाज़ा लगा कर अपनी कजा नमाजों की तादाद मुतय्यन करे, इसके अलावा मजीद कोई चारा इसके पास है नहीं। तो अगर वो ये करेगा तो और वो नमाजों की कजा भी करेगा, तो इंशाल्लाह इसकी जो आखिरत की जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाएगी। अगला सवाल, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप रोजाना व्हाट्सएप पर शॉर्ट क्लिप हासिल करना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें 03072799169।